हाय एवरीवन, माय नेम इज रेणुका, योर फैकल्टी ऑफ कंटेंट रीजनिंग, एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। सो आज हम बोर्ड एंड स्ट्रीम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले बाकी के क्लासेस हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बचे ये चार क्लासेस, मिक्सचर, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और मेंशुरेशन। इन क्लासेस को खत्म करते ही तुरंत हम मेंस लेवल के क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, और ये वाले सेशंस भी होंगे एसबीए क्लियर के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस भी होंगे एसबीए क्लियर के, आने वाले एसबीए क्लियर को या आईबीपीएस के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, so without any further delay let's begin the session with the first question on screen। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पहले आप इन रूल्स को समझ लीजिए। बोर्ड एंड स्ट्रीम के रूल्स को अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो, इफ द स्पीड ऑफ बोट, बोट के स्पीड को हम क्या मानते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर, और करंट के स्पीड को या फिर नदी के स्पीड को हम मानते हैं वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम जो होता है एक्स प्लस वाई, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होता है एक्स माइनस वाई। ये क्या होता है, देखो, एक होता है नदी, ठीक है, और एक होता है बोट, ठीक है, एक बोट होता है, ठीक है। और देखो, नदी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर बोट जाता है तो वो होता है अलोंग द स्ट्रीम, वो होता है अलोंग द स्ट्रीम, जिसे जिसे आप कहते हो, अगर उस स्पीड को कहा जाता है डाउनस्ट्रीम स्पीड। अगर नदी जिस डायरेक्शन में जा रहा है, बोट उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको कहा जाता है अगेंस्ट द स्ट्रीम, उसको कहा जाता है अगेंस्ट द स्ट्रीम, और उसके स्पीड को कहा जाता है अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो इसीलिए बोट का स्पीड और डाउन करंट का स्पीड जो है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वहां आड़ होता है, और अगर एक दोनों विपरीत में जाते हैं, अगर एक यहाँ तक इस तरफ जा रहा है बोट नदी का स्पीड नदी, और अगर बोट जो है इसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो इसीलिए वो माइनस होता है, एक्स माइनस वाई होता है अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, अब दोनों आपको गिवन है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड ए और बी गिवन है। ठीक है, तो क्या होता है, बोट का स्पीड क्या होता है, यहाँ पे स्पीड इन स्टील वाटर, यानी बोट का स्पीड होता है क्या, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई टू कर देना होता है। और करंट का स्पीड कैसे निकालते हैं, उन दोनों को माइनस करके डिवाइड बाई टू करना होता है। बस इतना ही आपको याद रखना। ठीक है, अब चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, ए बोट कैन ट्रैवल विद अ स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 7 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 126 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अच्छा, स्पीड कह रहा है, बोट का स्पीड कितना गिवन है, यहाँ पे बोट का स्पीड गिवन है 14 किलोमीटर पर आवर, और करंट का गिवन है, करंट का गिवन है कितना, 7 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या चाहिए, कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू गो 126 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अच्छा, डिस्टेंस यहाँ पे 126 गिवन है, और कह रहा है डाउनस्ट्रीम स्पीड हमें चाहिए टाइम निकालने के लिए। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना होगा, यहाँ पे बोट एंड करंट का स्पीड को ऐड कर दो, कितना होगा, 21 डिवाइड बाय 21 करोगे तो ये 6 से कटेगा, 6 1 6 6 2 12 6 आवर्स यहाँ पे करंट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा विच इज एन ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, इन 1 आवर ए बोट गोज 12 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम एंड 6 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इन किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है, ए बोट गोज 12 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, मतलब मैं क्या कह रही थी पहले, अलोंग द स्ट्रीम मतलब यहाँ पे क्या गिवन है आपको, डाउनस्ट्रीम स्पीड गिवन है, राइट, डाउनस्ट्रीम स्पीड ये आपको गिवन है कितना, 12 किलोमीटर पर आवर, और अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब आपको गिवन है अपस्ट्रीम स्पीड, ये आपको गिवन है अपस्ट्रीम स्पीड कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। और जहाँ पे आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का स्पीड गिवन है, वहाँ पे बोट का स्पीड कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई टू कर देना है, दैट्स इट। कितना होगा ये, 18/2, दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर, विच इज इन ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। ठीक है, जहाँ पे अगर आप उन फर्स्ट मैंने जो आपको समझाया ना, उन रूल्स को समझ लेते हो, फिर क्वेश्चंस में बस आपको अप्लाई करना है, दैट्स इट। क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया, फिर आपको अप्लाई करके आंसर तुरंत निकल जाएगा। बोट एंड स्ट्रीम सबसे इजीएस्ट चैप्टर होता है, अगर आप उन रूल्स को समझ लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा। सबसे पहले एग्जाम में जाकर आप अरिथमेटिक के क्वेश्चन अगर करते हो, तो मैं तो बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन ही ढूंढ के करती हूँ सबसे पहले। आपको भी यही करना है, अगर आप रूल समझ लेते हो, कॉन्सेप्ट अगर आपका वंस क्लियर है, तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए मैन रोज टू ए प्लेस 52 किलोमीटर डिस्टेंस एंड कम बैक इन 13 आवर्स। ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम।
as 2 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, द रेट ऑफ स्ट्रीम। अच्छा, हमें वो कह रहा है मैन रोज टू ए प्लेस फॉर 52 किलोमीटर डिस्टेंस जिसका है, और कम बैक भी कर रहा है, यानी जा रहा है 52 किलोमीटर डिस्टेंस, आ भी रहा है 52 किलोमीटर डिस्टेंस, और दोनों को कवर करने के लिए वो ले रहा है 13 आवर्स। यानी यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड उसने लिया होगा और यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड उसने लिया होगा, और टाइम ले रहा है 13 आवर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें ना डाउनस्ट्रीम स्पीड पता है ना अपस्ट्रीम स्पीड पता है, कैसे निकालोगे? देखो आगे कह रहा है, फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। मतलब टाइम सेम है, डाउनस्ट्रीम जाने के लिए जितना टाइम ले रहा है अपस्ट्रीम आने के लिए उतना ही टाइम ले रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे स्पीड निकाल सकते हैं कैसे? वो कह रहा है 4 किलोमीटर डिस्टेंस जा रहा है सेम टाइम में, अगर हम टाइम को मान लेते हैं एक्स, तो यहाँ पे स्पीड निकल जाएगा डाउनस्ट्रीम का और अपस्ट्रीम का। कितना यहाँ पे डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और टाइम एक्स, यहाँ पे डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, 2 डिवाइड बाई एक्स, ये आ गया टाइम। डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम क्या करोगे, स्पीड आया ना, स्पीड ये है। ठीक है, ये स्पीड है डाउनस्ट्रीम का और अपस्ट्रीम का। ठीक है, अच्छा इसको यहाँ पे पुट कर दो बस, 52 डिवाइड बाई 4 बाई एक्स प्लस 52 डिवाइड बाई 2 बाई एक्स, तो ये ऊपर एक्स चला जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पे 52 ऊपर एक्स आएगा डिवाइड बाई 4 होगा प्लस 52 एक्स डिवाइड बाई 2 होगा, 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 13x और ये 2 से डिवाइड करोगे तो होगा 26, 26 और ये 13 कितना होगा 39x इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, ये 13 आवर्स गिवन है ना, 13 तो एक्स कितना आएगा 13 डिवाइड बाई 39 दैट इज 13 डिवाइड बाई 39 दैट इज 1/3। ये एक्स का वैल्यू आया 1/3, अगर इसको 1/3 यहाँ पे पुट करते हो तो 4/1/3 करोगे, यानी कितना होगा 4×3/1 होगा, दैट इज ये होगा 12, यहाँ पे 2×3/1 करोगे तो ये होगा 6। यहाँ पे ये किलोमीटर पर आर है, ये स्पीड निकल कर आ गया किसका, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का। बस उसके बाद क्या कह रहा है, द रेट ऑफ स्ट्रीम कह रहा है, द रेट ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, यहाँ पे बस पुट कर दो किसको, ये आ गया अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड यहाँ पे गिवन है, बस माइनस कर दो 12 - 6। अपस्ट्रीम का रेट ऑफ स्ट्रीम कैसे निकालते हैं, 12 - 6/2, इन दोनों को माइनस करके ही निकालना है, दैट इज 6/2 कितना होगा 3 किलोमीटर पर आर, विच इज इन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बोट कैन कवर 128 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 4 आवर्स। ओके, फाइंड टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 160 किलोमीटर अपस्ट्रीम इफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 60% मोर देन अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। अच्छा, अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड 60% मोर देन अपस्ट्रीम स्पीड है, तो अगर अपस्ट्रीम स्पीड कितना है कह रहा है, अगर 10x मान लो, तो ये क्या है 60% मोर है डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा, राइट। और वो कह रहा है 128 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 128 डिवाइड बाई 16x, राइट, प्लस 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 80 डिवाइड बाई ये कितना 10x इज इक्वल टू, इसको ले रहा है वो 4 आवर्स, तो इसको 10 से डिवाइड करोगे तो होगा 8, इसको 16 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा ना, 8 6 जा 48 8 1 जा 8 12 ओके 8, ये भी 8, तो ये कितना होगा 16 डिवाइड बाई एक्स दैट इज 4, तो 4x इज इक्वल टू 16, एक्स कितना होगा 4 आवर्स। हमें चाहिए क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 160 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अच्छा, 160 किलोमीटर अपस्ट्रीम डिवाइड बाय अपस्ट्रीम स्पीड कितना होगा, अपस्ट्रीम स्पीड यहां पे 10x है, 10×4 कितना होगा 40 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16 दैट इज 4 आवर्स यहां पे करेक्ट आंसर होगा, व्हिच इज इन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। A man can row from point X to Y in 14 hours. There is a midpoint Z between X and Y. He takes 16 hours to row from X to Z and then return from Z to X. How long he will take to go from Y to X? अच्छा, पहले इसको देखो क्या रहा है, from X to Y 14 hours. अच्छा, कोई point है X से लेकर Y तक कोई distance है, वो कह रहा है जाने के लिए उसको 14 hours. यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको लग रहे हैं कितने घंटे? 14 hours. अच्छा, There is a midpoint Z between X and Y. अच्छा, कोई midpoint है Z, ठीक है. He takes 16 hours to row from X to Z. X से Z तक, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए and then return from Z to X. यहाँ से यहाँ तक वापस आने के लिए. अच्छा,
जाकर यहाँ से यहाँ तक, जाकर एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक जाकर, यहाँ से यहाँ तक वापस आने के लिए उसको लग रहे हैं कितने घंटे, कितने घंटे कह रहा है, 16 आवर्स, राइट? 16 आवर्स यहाँ से यहाँ तक जाकर, यहाँ से यहाँ तक वापस आने में उसको लग रहे हैं 16 आवर्स। और हाउ लॉन्ग ही विल टेक टू गो फ्रॉम वाई टू एक्स। अच्छा मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ। देखो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको 14 आवर्स लग रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक जाकर, यहाँ से यहाँ तक वापस आने के लिए उसको लग रहे हैं 16 आवर्स। अब पूछ रहा है कि यहाँ से वाई से लेकर एक्स तक, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। अच्छा देखो अब ये अगर डिस्टेंस है, यहाँ पे एक मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अगर 14 आवर्स लग रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 7 आवर्स, राइट? 7 आवर्स अगर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक जाकर, यहाँ से यहाँ तक जाकर, यहाँ से यहाँ तक वापस आने में उसको अगर लग रहे हैं 16 आवर्स, तो यहाँ से यहाँ तक तो हमने 7 आवर्स निकाल लिया है, तो बाकी ये बचा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना लगेगा, 16 से 7 माइनस करोगे तो 9 आवर्स। तो अब पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक वापस आने में कितना टाइम लगेगा, अगर आधा टाइम, अगर आधा रास्ता जाने के लिए उसको 9 आवर्स लग रहे हैं तो बाकी आधा रास्ता 9 आवर्स, तो टोटल कितना, 18 आवर्स उसको लगेंगे इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, वाई से एक्स तक आने के लिए, ठीक है? तो 18 आवर्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन स्पीड विद द करंट इज 17 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 8 किलोमीटर पर आवर। द मैन स्पीड अगेंस्ट द करंट इज, अच्छा विद द करंट कह रहा है ना, मैन स्पीड विद द करंट मतलब एक्स प्लस वाई, दैट इज डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको गिवेन है, डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको गिवेन है 17 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे करंट का स्पीड दैट मीन्स वाई गिवेन है विच इज 8 किलोमीटर पर आवर। तो अगर एक्स प्लस वाई 17 है और वाई 8 है तो एक्स कितना होगा, 9, राइट? डेफिनेटली 9 होगा, ये 8 है तो 9 होगा बोट का स्पीड, तब जाके यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है, 17 है। अच्छा द मैन स्पीड अगेंस्ट द करंट मतलब एक्स माइनस वाई कितना होगा, 9 माइनस 8, दैट इज 1, विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बोट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, फ्रॉम पी इट ट्रेवल्स 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 15 मिनट्स एंड द रिमेनिंग 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम टू रीच पॉइंट क्यू। इफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड इज ट्वाइस एज हाई एज अपस्ट्रीम स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ बोट फॉर जर्नी फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। अच्छा पी से क्यू तक कोई डिस्टेंस है कितना, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, राइट? और वो कह रहा है पी फ्रॉम पी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर उसने डाउन स्ट्रीम कवर किया है और बाकी 8 किलोमीटर क्या है, अपस्ट्रीम है, ठीक है? 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम टू रीच पॉइंट क्यू। अच्छा इफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड इज ट्वाइस एज हाई एज अपस्ट्रीम स्पीड, अच्छा 4 किलोमीटर को उसने कवर कितने मिनट्स में किया है, 15 मिनट्स में, तो यहाँ पे स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना आएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड आएगा कितना, 4 डिवाइड बाय 15 मिनट्स गिवन है तो 15 बाई 60 होगा, 60 ऊपर चला जाएगा, ठीक है? 15 से डिवाइड करो तो 4, 4, 4 जस्ट 16 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड है। और यहाँ पे कह रहा है डाउनस्ट्रीम स्पीड ट्वाइस एज हाई एज अपस्ट्रीम स्पीड, तो अगर ये ट्वाइस है तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना होगा यहाँ पे, 8 किलोमीटर पर आवर, राइट? तो अब क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस हमें पता है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। टोटल टाइम हमें नहीं पता है, सिर्फ डाउनस्ट्रीम का टाइम पता है, दैट इज कितना यहाँ पे 15 मिनट्स, राइट? 15 मिनट्स पता है। और अपस्ट्रीम टाइम कितना है, यहाँ पे अपस्ट्रीम डिस्टेंस है 8 किलोमीटर, 8, और स्पीड है 8 डिवाइड बाई 8, तो 1 आवर, विच इज 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, राइट? तो यहाँ पे टोटल कितना टाइम है, 75 मिनट्स, डिवाइड बाई 75 मिनट्स में है तो इंटू 60 ऊपर, 15 से डिवाइड करोगे तो 5, 15 से डिवाइड करोगे तो 4, ये कितना होगा, 48 डिवाइड बाई 5, दैट इज 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 9.6 किलोमीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, विच इज एन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम इफ वन कैन रो 12 किलोमीटर इन 10 मिनट्स इन स्टील वाटर एंड द सेम डिस्टेंस इन 9 मिनट्स विद द स्ट्रीम। अच्छा वन कैन रो 12 किलोमीटर इन 10 मिनट्स इन स्टील वाटर कह रहा है, मतलब बोट का स्पीड यहाँ पे आएगा कितना, 12 किलोमीटर डिवाइड बाई 10 मिनट्स कह रहा है तो इंटू 60 ऊपर कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 12 इंटू 6 दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर बोट का स्पीड है।
और यहाँ पे कह रहा है सेम डिस्टेंस 9 मिनट्स विद द स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड हम निकाल सकते हैं कितना, डिस्टेंस सेम है 12 इंटू 60 डिवाइड बाई 9, क्योंकि 9 मिनट्स है तो इंटू 60 कर दिया, 3 से डिवाइड करोगे तो 3, 3 से डिवाइड करोगे तो 4, 3 से डिवाइड करोगे तो 24 इंटू 20 80, डाउन स्ट्रीम स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे बोट का स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, तो करंट का स्पीड कितना होगा 8 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, दैट इज 16 डिवाइड बाई अपस्ट्रीम कितना होगा 72 से 8 माइनस करोगे तो 64, ये किलोमीटर पर आवर है, इंटू 60 कर दोगे तो यहाँ पे मिनट्स में कह रहा है इंटू 60 कर दो, 16 से डिवाइड करोगे तो 16 फोर या 64, फोर से डिवाइड करोगे तो 15 मिनट्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मिनट्स गिवन होगा तो मिनट्स में निकाल लो, अदरवाइज आप आर में गिवन होगा तो 1/4 गिवन होगा, राइट। तो 15 मिनट्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, विच इज एन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बोट सेल 16 किलोमीटर ऑफ ए रिवर टुवर्ड्स अपस्ट्रीम इन 4 आवर्स। अच्छा, अपस्ट्रीम स्पीड यहाँ से निकल जाएगा कितना, 16/4 दैट इज 4 आवर्स, 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो और क्या कह रहा है आगे, इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। अच्छा, बोट अगर करंट का स्पीड 1/3 है बोट के स्पीड का, तो अगर बोट का स्पीड 3 है तो करंट कितना होगा 1। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, यानी 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम हमें कवर करना है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की, ये क्या आया, अपस्ट्रीम स्पीड आया, राइट, अपस्ट्रीम स्पीड। तो अपस्ट्रीम स्पीड यहाँ पे कितना होगा 2, 2 का वैल्यू यहाँ पे 4 गिवन है तो 3 का वैल्यू कितना होगा 6, 1 का वैल्यू कितना होगा 2। अब डाउन स्ट्रीम कितना होगा स्पीड, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो 8, 16/8 2 आर्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, विच इज इन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ए मैन कैन रो 9 किलोमीटर पर आवर है ये इन स्टील वाटर, इफ द रिवर इज रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 4 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम देन टू गो डाउन स्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस, देन डिस्टेंस इज, अच्छा डिस्टेंस मान लो डी डिवाइड बाई डाउन स्ट्रीम, हमें यहाँ कितना है, ये है बोट का स्पीड, ये है करंट का स्पीड, दोनों को ऐड कर दो कितना 12, और टाइम मान लो एक्स हमें नहीं पता है, और कह रहा है टेक्स 4 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम है, अपस्ट्रीम मान लो डिस्टेंस सेम है, दोनों सेम है तो डी ही मान लो, ठीक है, और अपस्ट्रीम स्पीड कितना होगा 9 - 3 दैट इज 6 इज इक्वल टू टाइम लग रहा है 4 आवर्स मोर दैट इज एक्स प्लस 4। अब इन दोनों को सेम कर दो, डिस्टेंस सेम कर दो, 12x इज इक्वल टू ये कितना होगा 6x प्लस 24, तो 6x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू कितना आएगा 4। अब क्या पूछ रहा है, देन द डिस्टेंस, डिस्टेंस कहीं पे भी पुट कर दो 4 को, यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे भी 4 पुट कर सकते हो, 12 * 4 कितना होगा 48 किलोमीटर, विच इज इन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of the speed of downstream and speed of stream is 7:1. If the speed of current is 3 km/h, find the distance traveled by boat upstream in 5 hours. अच्छा, downstream का और current का given है, downstream speed और current का given है 7:1, 7:1, और current का यहाँ पे given है 3 km/h. इसी 1 का value अगर 3 km/h given है, तो downstream speed कितना होगा 21 km/h. अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स। अच्छा, अपस्ट्रीम कितना होगा, अगर डाउनस्ट्रीम 21 है और करंट 3 है तो बोट कितना होगा, 21 से 3 माइनस करोगे तो 18, बोट का 18 आया, अपस्ट्रीम स्पीड कितना होगा 18 - 3 दैट इज 15, और यहां पे टाइम गिवन है 5 आवर्स, इनटू 5 कर दो कितना होगा 75 किलोमीटर, व्हिच इज इन ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन बोट एंड स्ट्रीम, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू ऑल, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कोई भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।